हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आईफोन 12 के ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट एक मंथ से iOS 17.2.1 का लेटेस्ट अपडेट। इस अपडेट में आपको आईफोन 12 में कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, मैंने एक मंथ यूज़ करने के बाद में क्या फ़ेस किया है इस आईफोन 12 में, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास है ब्लू कलर में 128 GB वाला आईफोन 12। प्लीज़ इस डॉट को इग्नोर करना, ये जस्ट डिस्प्ले थोड़ी ख़राब हो चुकी है मेरी। ओके, एनीवे, सबसे पहले मैं आपको अबाउट सेक्शन में लेके चलता हूँ। ये आप चेकआउट करो कि अबाउट सेक्शन में मेरा जो फ़ोन है ना वो रन कर रहा है iOS 17.2.1 के ऊपर। और इस अपडेट में गाइस, मेरे आईफोन की एक भी बैटरी, 1% बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं हुई है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि 87% मेरे आईफोन की बैटरी हेल्थ थी और अभी भी 87 की 87 है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो अभी मैंने एयरप्लेन मोड के ऊपर सेट कर रखा है फ़ोन, लेकिन मेरा फ़ोन जो है ना नेटवर्क्स के मामले में iOS 17.2 से काफ़ी शानदार परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सिम कार्ड के रिगार्डिंग, लेकिन मेरे केस में ऐसा कोई इशू नहीं है इस अपडेट में। आपके केस में कोई इशू है प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर मैं स्पीकर्स की बात करूं तो बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहे हैं, नेटवर्क्स की बात करूं तो बिल्कुल सही है, बैटरी की बात करूं, चार्जिंग की बात करूं तो दोस्तों चार्जिंग जो है ना एप्पल के 20 वाट फास्ट चार्जर से ऑलमोस्ट 1 घंटे में मेरा जो फ़ोन है ना वो फुली चार्ज हो जाता है अगर मैं उसको 20 से 25% पर चार्ज शुरू करता हूँ। सो चार्ज साइकिल्स जो है ना मेरे बहुत कह लो भी मैं दिन में एक बार ही या मैक्सिमम 2 बार ही चार्ज करता हूँ। सो मैक्सिमम जो है ना फ़ोन मेरा बैटरी हेल्थ काफ़ी शानदार परफॉर्म कर रहा है बैटरी के रिगार्डिंग। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है ना वो बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है, ना फ़ोन लैग कर रहा है ना हैंग कर रहा है, हीटिंग इश्यूज़ भी बिल्कुल मेरे को ज़ीरो देखने को मिले। सो आईफोन 12 जो है ना काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है iOS 17.2.1 के ऊपर। दोस्तों अगर आपने अपडेट नहीं किया और अभी तक आपका फ़ोन 17.2 या उससे पुराने वर्जन पर रन कर रहा है, सो आप इसे आंखें बंद करके अपडेट कर सकते हो, क्योंकि इस अपडेट में मेरे को कोई भी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, बैटरी के रिगार्डिंग या फिर नेटवर्क्स के रिगार्डिंग कोई इशू देखने को नहीं मिला। वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करूँ तो जैसे ही मैं वाईफाई ऑन करता हूँ उसी टाइम ऑन होके कनेक्ट हो जाते हैं और मेरे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि यहाँ सिग्नल स्ट्रेंथ कम है वहाँ सिग्नल स्ट्रेंथ कम है। सो एज सच मेरे को ऐसा कोई बिग इशू नहीं आ रहा ब्लूटूथ एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ। सो आप इस अपडेट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो और डू लेट मी नो कि कैसा चल रहा है आपकी केस में ये अपडेट। आई होप गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और वीडियोज़ के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।